नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी हैं। सर, इन दिनों यूपी में लगभग सभी पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं और कल आपने अपने पार्टी के अध्यक्ष से मुलाकात की, तो ब्राह्मणों को अब आप लोग रिझाने के लिए बताया जा रहा है कि आप ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत बलिया से हो सकती है। तो क्या चुनाव आते ही ब्राह्मण समाज को इस बार ऐसी क्या वजह हो गई कि इस बार ब्राह्मणों की अच्छी खासी याद आ रही है सबको? देखिए, केवल ब्राह्मणों की याद नहीं आ रही है, सभी पार्टियां अपने आधार को बढ़ाने के लिए लोगों के बीच में जाती हैं। समाजवादी पार्टी भी अपना आधार बढ़ाने के लिए और अपनी सरकार बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों में मिलकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है, और इस राजनीतिक ताकत बढ़ाने में ब्राह्मण समाज से भी समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर अपनी पार्टी की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से हम सब लोग कल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले थे। कारण है कि इस राज्य में, इस वर्तमान मुख्यमंत्री के चलते ब्राह्मण इनसे खिन्न और उदास है, क्योंकि जिस अपेक्षा से उसने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में सहयोग दिया था, वो अपेक्षा उसकी पूरी नहीं हुई। बदले में वो अपमानित हो रहा है, उसके खिलाफ अन्याय हो रहा है, शासन में उसकी जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, हिस्सेदारी होने के बावजूद भी उसका उचित सम्मान ये सरकार नहीं दे रही, इसीलिए वो इस सरकार से नाराज है, गुस्से में है। हम लोग उनसे मिलकर उनकी बातों को सुनना चाहते हैं और अपनी बात हम उनको बताना चाहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करेगी और उनका उचित स्थान भी देगी। सम्मान और स्थान की आपने बात की, तो क्या इस बार जब टिकट बंटवारा होगा तो अच्छी खासी संख्या में ब्राह्मणों को साइकिल की सवारी करने को मिलेगी? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक टिकट बंटवारे की बात है, समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को हमेशा सम्मान दिया है और बड़ी संख्या में हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग भी चुनकर आते हैं। अभी पिछली सरकार में कई ब्राह्मण कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, मैं खुद ही ब्राह्मण समाज से आता हूँ, समाजवादी विचारधारा को हूँ, समाजवादी पार्टी के ने हमें विधानसभा का अध्यक्ष एक बार नहीं दो बार बनाया। ये कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दिया जाएगा या उनका जो स्थान है वो उनको नहीं मिलेगा? भगवान परशुराम की मूर्ति भी आप लोग लगवाने जा रहे हैं, और जैसे जब बसपा का सम्मेलन जो अयोध्या में हुआ तो उसमें भगवान परशुराम की मूर्ति गायब थी, सतीश चंद्र मिश्रा की तस्वीरें बड़ी बड़ी लगी थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय हमें उस पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहना, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जो लोग रोज़ाना आप जानते हो जिस ढंग से नारे लगाए जाते थे, जिस ढंग से उनकी विचारधारा है, जिस ढंग से उनका व्यवहार है, उसमें मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। भगवान परशुराम के बारे में सबसे पहले अगर किसी ने सोचा तो माननीय मुलायम सिंह ने सोचा। माननीय मुलायम सिंह जी जब यहाँ मुख्यमंत्री बने थे तो मुझसे ही ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने मुझसे कहा था कि भगवान परशुराम सबके देवताओं के और उनके नाम, उनके जन्मदिन और वैसे उन पर छुट्टी होती है, इन पर
अवकाश राजकीय अवकाश नहीं है। माननीय मुलायम सिंह ने सबसे पहले राजकीय अवकाश घोषित किया और भरम भरो भगवान परशुराम को गांव-गांव तक पहुंचाया। भगवान परशुराम जब उनके नाम पर उनके जन्मदिन पर अवकाश घोषित किया गया तो स्कूल कॉलेज के बच्चे जो छुट्टी हुई अपने घर रहे, लोगों ने पूछा आज क्यों आप हैं, तो उन्होंने कहा आज भगवान परशुराम का जन्मदिन है और हमारे यहाँ स्कूल बंद है और सारे छुट्टी है। तो इस तरह से भगवान परशुराम का सम्मान माननीय मुलायम सिंह, वैसे वो भगवान हैं उनका तो सम्मान चारों तरफ से ही है, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्हें बहुत ऊँचा स्थान दिया। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज़।